पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले सद्भावना दिखाते हुए 27 मछुआरों समेत 30 भारतीय कैदियों को आज जेल से रिहा कर दिया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने एक बयान में कहा था कि कैदियों की रिहाई मानवीय मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करने की पाकिस्तान की अटल नीति के अनुसार की गई है। बयान में बताया गया है कि जिन 30 कैदियों को रिहा किया गया है उनमें 27 मछुआरे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, यह 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने का मानवीय भाव है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष भी इसी तरह का व्यवहार दिखाएगा। देश के उच्चतम न्यायालय के समक्ष जुलाई में सौंपी गई एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 418 मछुआरों समेत 470 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में अभी भी बंद हैं। 27 मछुआरे आज लाहौर पहुंचे और वहां से वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। कराची में मालीर जेल के वरिष्ठ जेल अध्यक्ष गुलाम बख्श ने कहा कि उन्होंने कल मछुआरों को रिहा किया था और गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद ट्रेन के जरिए उन्हें लाहौर भेजा। उन्होंने कहा, मछुआरों को सद्भावना के कदम के तौर पर रिहा किया गया है। कैदी वेलफेयर ट्रस्ट के एडी ने कहा कि निश्चित तौर पर रिहा किए जाने पर मछुआरे खुश हैं। उनमें से कुछ तो 2 साल से जेलों में बंद थे। उन्होंने कहा, हमने उन्हें ट्रेन से लाहौर भेजने और वाघा सीमा तक लाने समेत उनका खर्च उठाया। हमने सद्भाव के तौर पर उन्हें नकद रुपए और उपहार भी दिए। अरब सागर में समुद्री सीमा का स्पष्ट सीमांकन ना होने के कारण पाकिस्तान और भारत आए दिन एक दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार करते रहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।